बार जरा इस इन तस्वीरों पर रहते हुए ये बात करना चाहती हूँ कि ट्विन जी, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी सैर पर निकल गए हैं, अहंकार को लेकर एक आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सबसे पहले जवाब। तरफ से जब इस तरह के बयान आते हैं तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस की इंटीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का परिचय देते हैं, क्योंकि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की गलतियां जो है, हिस्टोरिकल ब्लंडर्स, इतनी बड़ी रही है। 1962 में चाइना के प्रति जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो मिसकैलकुलेशन था नेहरू का, वहां से लेकर शर्मल शेख में 2010 में जब पूरे विश्व में भारत को शर्मसार किया था कांग्रेस ने, तो कहीं ना कहीं ये जो बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हो रही है वो उनकी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाती है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का स्तर आज विश्व के नेताओं में उच्चतम स्तर पर है। जो कंट्रीब्यूशन भारत कर रहा है पिछले 10 सालों में क्लाइमेट के स्पीयर में, भले वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस हो, या फिर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर, जियो पॉलिटिकल जो नए नए मूव्स है उसके स्तर पर, जो हमने तोड़ दिया है विश्व को, वन बेल्ट वन रोड का एक प्रकार से तोड़ दिया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर के जरिए, जिस प्रकार से हमने एक अलग ग्रुपिंग तैयार की है क्वाड, जिसमें चाइना का जो एक डोमिनेंस था ब्रिक्स में उसको न्यूट्रलाइज किया गया, ये तमाम ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसपे भारत ने विश्व में एक अलग पहचान बनाई है मोदी जी के नेतृत्व में। और आज भी G7 में 2003 से लगभग जब देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, तब से हर वर्ष भारत को न्योता आता है और भारत के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। तो कांग्रेस का ये इस प्रकार की बेतुकी बातें कहना कि प्रधानमंत्री जो है अपने अपने अपना किस्मत चमकाने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत ही ओछी राजनीति, कांग्रेस की ओछी राजनीति का परिचय देता है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। प्रेम कुमार जी, आपके पास आ रही हूं मैं। आज जब प्रधानमंत्री की थर्ड टर्म के पहले विदेश दौरे की बात कर रही हूं, तो इस वक्त ये जरूर बताना जरूरी समझती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नेता है इन सब राष्ट्राध्यक्षों में जो एक तीसरे टर्म के बाद प्रधानमंत्री बनकर चुनकर वहां गए हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत की है उसकी एक तरह से जीत बताते हुए गए हैं। इसलिए बोल रही हूं क्योंकि वहां जो सारे राष्ट्राध्यक्ष हैं इस वक्त, देखिए हर देश में सत्ता बदलती है, लेकिन वहां जो इस वक्त राष्ट्राध्यक्ष है वो अपने अपने देश में एक तरह से एक 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 डाउनफॉल की तरफ देख रहे हैं या फिर वहां पर एक सत्ता विरोधी लहर देख रहे हैं। ये इसलिए बताना जरूरी है कि किसी भी देश में एक बार सत्ता में रहने के बाद दूसरी बार आना मुश्किल आसान नहीं होता है। प्रेम कुमार जी, देखिए नरेंद्र मोदी जी विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ। और एक विदेश में हमारे देश का जो चेहरा है, हमारे देश का रिप्रेजेंटेटिव है, तो हमको उस रूप में एक देखते हैं। और दूसरा होता है कि घरेलू सियासत में हम नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं तो वो एक डिफरेंट बात होती है। हम क्या करते हैं कि अक्सर जैसे विदेश जाएंगे तो ऐसी चर्चा में व्यस्त हो जाते हैं कि देखो अपोजिशन नरेंद्र मोदी जी की आलोचना कर रहा है तो वो विदेश में भारत का मान अपमान हो रहा है। तो ये इसका जो भी इसकी मंशा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। घरेलू पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी जी की आलोचना होती है, उसके अलग कारण है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भारत का चेहरा है, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। समीक्षा में हो सकता है, अभी तत्काल नहीं, बाद की समीक्षा में हो सकता है कि इन दौरों के फायदे क्या हुए, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट बढ़ा, हमने क्या डील हासिल किए, उस डील में हमें क्या फायदा हुआ, इंटरनेशनली हम पोजिशन में कहाँ रहे, ये सब समीक्षा का विषय हो सकता है, आलोचना भी हो सकती है। लेकिन जब दौरे हो रहे हों तो हमेशा ये बोलना कि मतलब इसका बुरा ही होगा ऐसा सोच के नहीं चला जा सकता, हम अच्छे की उम्मीद हमेशा रखते हैं, लेकिन समीक्षा से न डरिए, ये जरूर हम कहेंगे कि समीक्षा होगी और आलोचनात्मक समीक्षा भी होगी।